और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मंत्रियों की जमकर तारीफ भी की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप शासन का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचे हुए लोगों तक पहुंचाने या प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए, आप सबका बहुत सकारात्मक सहयोग उसके लिए प्राप्त हुआ है और मैं इसके लिए आप सबका भी सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे मंत्रिमंडल को एक नई स्टेंथन दी है और मुझे विश्वास है कि पूरी टीम प्रदेश के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जिसमें उत्तर प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध और सबसे उपलब्धियों वाला प्रदेश बनाने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो कार्य योजना हम लोगों ने 2.5 वर्ष पहले बनाई थी, उन लक्ष्यों को हम प्राप्त करेंगे। स्वाभाविक रूप से उसमें राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार से कैबिनेट मंत्री के रूप में जिन्हें प्रमोट किया, उसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह ग्राम्य विकास के हमारे राज्य मंत्री थे। प्रदेश में जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की थी वह बहुत उल्लेखनीय रही है, खासतौर पर ग्राम्य विकास की योजनाओं में भारत सरकार की 12 राष्ट्रीय पुरस्कार उन्होंने अपने विभाग को उपलब्ध करवाए। प्रधानमंत्री आवास योजना और साथ साथ मनरेगा में रिकॉर्ड मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी भूमिका, उत्तर प्रदेश जहां 23वें नंबर पर था आज नंबर 1 पर इस मामले में आया है, उन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में हम लोगों ने प्रमोट किया है। श्री सुरेश राणा हमारे गन्ना मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार के, रिकॉर्ड मात्रा में यानी 10 वर्षों में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान समाजवादी पार्टी और बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुआ था, उतना मात्र 2 वर्ष में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश के गन्ना किसानों को कराने में उन्हें सफलता प्राप्त करने के साथ साथ बंद पड़ी चीनी मिलों को प्रारंभ कराना। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।